आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। इरबा पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित, कई विभाग के प्रभारी रहे नदारद। 2.5 साल पहले रूबी देवी के पति का हो चुका है सड़क दुर्घटना में मृत्यु। अभी तक नहीं मिली है कोई सरकारी सुविधा। शिक्षा, चिकित्सा, श्रम, बाल विकास, कृषि, थाना प्रभारी सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी थे बैठक में। पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं को समाधान करने और लोगों को परेशानी से बचाने एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्विती करने के लिए प्रखंड के इरबा पंचायत अंतर्गत पंचायत सचिवालय में गुरुवार को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं उसका समाधान करने की बात कही। ग्रामीणों ने सरकार को आवेदन देकर अवगत कराया है कि जो भी समस्याएं हैं उसे तत्काल निवारण किया जाए। निर्धारित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार अभिनव स्वरूप उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता मुख्य अतिथि बीडीओ ने किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आम ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो सुनी जा रही है। साथ ही अगर किसी का भी किसी से संबंधित लंबित भुगतान कहीं बकाया हो, मनरेगा से संबंधित या पारा टीचर्स का या आंगनबाड़ी सेविकाओं का या किसी अन्य योजनाओं में किसी का कोई बकाया है, तो उसके लिए वो दावा प्रस्तुत करते हैं। उस पर हम लोग विभागवार आवेदन आमंत्रित करते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं और संबंधित विभागों से उसको तत्काल त्वरित निष्पादन के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और निष्पादित करते हैं। ग्रामीणों की ओर से क्या क्या शिकायतें आई? अभी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई आवेदन आए हैं, कुछ नाले निर्माण को लेकर आए हैं और स्थानीय स्तर पर कुछ लाइट वगैरह लगवाने के लिए पेयजल से संबंधित कुछ शिकायतें आई हैं। मुख्य रूप से इन्हीं चार प्रकार की शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। कुछ खास एरिया से ये भी शिकायत आया है कि वहाँ शौचालय निर्माण अभी तक एक भी नहीं हुआ है। वो जो लिस्ट ऑफ लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज का सूची बना है उस पर काम चल रहा है, जल्द ही उनका शौचालय का निर्माण कर दिया जाएगा। गर्मी आने वाली है तो पानी की क्या सुविधाएं? पेयजल के लिए आप जान रहे हैं बगल में रुका से है और सप्लाई होती है, साथ ही जितने चापाकल खराब हैं उनका रिपेयरिंग के लिए हमने विभाग को निर्देश दिया है। कनीय अभियंता पेयजल स्वच्छता विभाग आए हुए हैं, चापाकल की मरम्मती करा देंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां नहीं होगा तो टैंकर से भी पानी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जनता को आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मेरा सभी से, इस ग्राम पंचायत के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का वो लाभ लें। जो भी उनकी समस्या है वो उनकी सुनी जाएगी, साथ ही साथ उनका निष्पादन करने का यथासंभव यहीं पर प्रयास किया जाएगा। जो समस्याएँ देर से सॉल्व होने वाले होंगी उनके लिए विभाग को वहाँ उनका पत्राचार किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से कराया जाएगा। तो जनता से आग्रह है कि वे आकर अपनी समस्याएं हमें बताएं ताकि हम उनका समाधान कर सकें। धन्यवाद। आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, बीडीओ साहब वगैरह जो है ना पदाधिकारी गण आए हुए थे, है ना। बहुत सारी समस्याएं का जो जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। समस्या लेकर लोग आए थे? समस्या यहाँ जो है ना वृद्धा पेंशन से लेकर जो है ना आवास जो है ना जल संरक्षण वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्या थी। अब अपना परिचय दें। मैं ग्राम प्रधान गोवर्धन मुंडा कोजारी। काफ़ी परेशान है लोग, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, राशन कार्ड, नाली रोड और विभिन्न योजनाएं थी, जैसे मुख्य था इंदिरा आवास के में तो, और विधवा पेंशन जो काफ़ी दिनों से लोग आवेदन दे रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। और वीडियो सर भी आए हुए थे लेकिन आश्वासन मिला कि जल्द ही जल्दी इसका निपटारण किया जाएगा। और मैं सभी को ये भी कहती हूँ कि जल्द से जल्द हो जाएगा, इसके लिए आप घबराए नहीं, निश्चिंत होकर आवेदन दें ताकि जो भी छूटे हुए आवेदन हैं उसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग छूटे हुए हैं, उसी अनुसार हमें सूची प्राप्त किया जाएगा। जनता आपके द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है निश्चित तौर पर इससे ग्रामीणों को फायदा पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा मैडम? यदि एक विधवा है और इसे विधवा पेंशन के द्वारा उसको सहयोग राशि मिलेगा तो वो निश्चिंत रूप से वो अपना घर का लालन पालन अच्छी तरह से कर सकती है। इस तरह से उनका परिवार अच्छा रहेगा तो वो कोई भी काम बेफिक्र होकर कर सकती है, तो इससे निश्चिंत है कि हमारा गांव विकास की ओर जाएगा। आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रही थी झारखंड सरकार है श्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो सरकार जो छोटे सरकार है जो हमारे बीच आना चाहिए था
और दूसरी बात है कि जो पदाधिकारी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ में अंचल अधिकारी CDPO मैडम जो भी है जो भी पदाधिकारी है वो संबंधित पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे, इसके चलते आवेदन पेंडिंग हो गया, बहुत सारा आवेदन नहीं मिल ले सका। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो आवेदन लेके आए थे जिसको देने के लिए, जैसे आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका का मामला था, दूसरी बात है कि ये डीलरशिप का मामला था, बहुत सारे जो समस्या थी वो समस्या अभी पर निराकरण नहीं हो पाया है। इस तरह की बात भी लोग नहीं आए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग बेरोजगारी की समस्या लेकर क्या यहाँ पर पहुँचे थे? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर मनरेगा का काम जो है निम्न है काम, दूसरी बात है कि यहाँ पर पेपर ब्लॉक का भी काम हो रहा है उसमें भी बहुत सारे त्रुटि है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो काम होना चाहिए था। पानी तो इधर बहुत कम आता है कभी नहीं आता है। आयुर्वा में जो है कि मोटर लगा लिया है पूरा छत ऊपर, दो तला तीन तला में चढ़ा देते हैं। हम लोग दो तीन बार वहाँ भी गए देखने के लिए पानी को, ये PSD का जय सर के साथ और पंचायत सचिव वाले का मुखिया जी और जल सहिया सब है, सब दीदी सब गए थे और उन लोग को बोले कि मोटर हटाइए नहीं तो कार्रवाई किया जाएगा। तो 5,000 का भी उन लोग को काट के दे दिया था पैसा का, तो उन लोग नहीं दिए ना, अभी तक मोटर हटाइए। तो आज ग्रामीण लोग क्या कर रहे, ग्रामीणों की ओर से क्या कह रहे हैं पानी की समस्या? सर तो बोले कि और एक ठो टंकी बनाएंगे और फिर पानी देंगे। सर भी बोले कि जितना वो लोग मोटर, आप यहाँ क्यों आए हैं? विधवा पेंशन के लिए 5 साल से हम भर रहे हैं लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ना, मेरा घर भी टूट गया था उसमें भी हम दिए हैं फोटो, उसमें भी मेरा घर का भी कोई अथी नहीं हो रहा। मेरा आदमी नहीं है, डेट कर गए हैं, तो हमको कुछ सहायता नहीं मिला है। बस सरकार से यही विनती करती हूँ कि मुझे कुछ सहायता दे दीजिए। मेरा पहले ये मामला आपके हस्बैंड के हो गया 2.5-2 साल। हम लोग को लाल कार्ड चाहिए। कितने दिन से ये समस्या है? करीब 3-4 साल से। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को वहाँ जाइए यहाँ जाइए बहाना बना के एक दूसरे के पास भेज देते हैं, एक से एक दलाल लगल है। तो आप स्वयं क्यों आए, आपके घर में और कोई नहीं है क्या, महिलाएं आगे आ रही, इसका कारण क्या हुआ? बहुत मर्दाना आगे गए जिसमें काम नहीं बना, तब हम लोग अंत में घर से बाहर निकले हैं। क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, जो लोग आज ग्राम सभा है, क्या अपेक्षा करते हैं? हम लोग को लाल कार्ड चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, हम लोग गरीब आदमी है। हम इरबा समुंदर महल्ला से, सुहाना परवीन, सुहाना परवीन।